ये वो मुकाम है जहाँ पे कल रात एक नौजवान का हाथ काट दिया गया और मैसूर में एक तरह से खौफ का माहौल छाया हुआ है। जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पे पुलिस कर्मचारी हर एक को रोक कर यहाँ पे सवाल कर रहे हैं और अपने तहकीकात यानी आम लोगों से पूछताछ जारी है और लोगों में एक तरह से एक खौफ का माहौल छाया हुआ है कि आखिर ये वारदात को अंजाम देने वाले कौन है। जैसा कि मैं बता दूँ कि कारपेंटर जो अयास पाशे पंडो है उनके दामाद हैं वो, लेकिन इसके पीछे क्या है, मकसद क्या है, ये अभी बात सामने आने वाली है। जैसा कि आप देख रहे हैं अभी जिस पर हमला हुआ है वो अभी नारायण रुद्रालय में जर इलाज है, बाकी की तफसीलात तो इंशाल्लाह आने ही वाले हैं, हम जैसे आएंगे आपको बताएंगे जरूर। अस्सलाम वालेकुम। बोलो। वालेकुम अस्सलाम। खैरियत है पंडू भाई? हाँ, दुआ तुम्हारी। पंडू भाई, ये कल रात जो अंडल स्कूल के पास आपके दामाद पर हमला हुआ, हाँ हाँ, और वो जो उनका हाथ जख्मी हुआ है और वो हाँ, नारायण हॉस्पिटल में जेर इलाज है, हाँ हाँ, उस सिलसिले में हमारे आपके साथ तमाम गम में है, आपके शरीक हैं। मैं क्या बोलना चाह रहे हैं आपको पंडू भाई? बस जिन्हों भी मारी उनको जी बाखदा उनको कानून जो सजा देता है जी उसको हमें तस्लीम करते हैं कि कतो कानून उनसे जरूर उनको सजा देना जी। बस क्या है कतो कम से कम ये मिला को सातवां मर्डर करी सो। अच्छा अच्छा, हाँ, क्या है, ग्रुप का एक काम है क्या सब? ये पांच जने पूरी ग्रुप है। अच्छा। बेंगलुरु के दो आदमी, मैसूर के तीन आदमी। अच्छा अच्छा। पूरा टारगेट कम से कम बिड़ी कॉलोनी नदीमगढ़ को मोटा सरका है, नदीमगढ़ को बिड़ी कॉलोनी में जी जी। अब एक छह महीने वो उसे मारे। अच्छा। उसके बाद में जवादकर को मिशन हॉस्पिटल सर्कल में है जी, रफीक का भी दड़ा में रफीक कर को ना मिशन हॉस्पिटल सर्कल जी, मालूम 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 सर। उनके ऊपर को जवाद कुमार है। अच्छा, वो छोटा मार्ग ने हमला हुआ था ना? हमला हुआ उनके ऊपर। थर्ड केसरे में अमीरू कर को कपड़े वाले ही जी, वसीम कर को उसे मारे। अच्छा। बाद में खुबा इमरान कुमार है, खुबा मस्जिद का ना इमरान कर को है। अच्छा। उसे मारे जी। बाद में बेंगलुरु में एक तीन मर्डर करे, बाद में ये मिला तो पांचवा हादिस आए। तो ये बाखदा सुपारी गैंग लग रही है? ये पूरी सुपारी गैंग है, पूरा इनका एक टारगेट है इनका जी। जो भी उनको पैसे देती है फलाने आदमी को मारो को तो वो फलाने आदमी को मार डालती सो। अच्छा। लेकिन हमें मेरा बोलने का मकसद क्या तो बिल्कुल पुलिस जो है जी बाखदा जो काम करना नहीं कर रही, अगर पहले से अगर पुलिस अगर से काम कर डालती ना जी तो इन सात आदमियों को मारने के वजह से जो पुलिस एक्शन ले लेती जी तो इंशाल्लाह ये नौजवानों को सब ऐसा नहीं होता था। अच्छा, पुलिस की ये ढील छोड़ रही है, ये पुलिस ये मार मार को इन्होंने की छुटको बेला ले ले बाजारी। तो ये सवाल समझ कर ये हमारा अभी सवाल ये है क्या कहते हूँ, मार रही हूँ बाहर आ जा रही। अच्छा। लेकिन इनको जो है कानून इनको कैसी सजा देना, या इन लोगों को या इनकाउंटर करना या बाखदा इनको एक सात साल सजा दी तो एक खौफ एक इबरत आता है। बिल्कुल, तो बिल्कुल। ऐसा होता रहा तो बाखदा पूरे इन्नार क्षेत्र के अंदर ऐसा होता रहा तो बहुत महंगा पड़ता है। बिल्कुल। के सामने आदमी जीना को तो आज बहुत भारी है। बिल्कुल। लेकिन जो कानून की नजर में पुलिस कमिश्नर साहब को भी मैं क्या बोलना चाहता हूँ, बस मैं उनको खाता जोड़ को बस ऐसे ऐसे चीजों को बस एक लॉ ऑर्डर निकाल को इनकाउंटर करके उनको निकाल को शूट की या सजा की बाखदा अगर से दिए तो बाखदा ऐसा इन्नार क्षेत्र के अंदर इंसान को खौफ भी रहता है किबरत भी रहता है। तो ऐसा होता रहा तो यूं गए यूं हुआ करते रहा तो बहुत सारे नौजवान आने वाले दिन भी बहुत ही जीना बहुत मुश्किल हो जाता है। जहाँ पे आपके साथ हमें अफसोस जता रही है, इसके साथ साथ एक बात ये भी है कि लॉकडाउन के बीच में इतना बड़ा काम हुआ तो बहुत बड़ी परेशानी का मामला है। बहुत 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 बड़ी क्या बहुत बोलू ना जी। क्या बोलू, हमें बोल नहीं सकते बस जी। आधी सा देखे तो उनकी अम्मी का इंतकाल हो गया तीन दो महीने हो रहा है, अपा का इंतकाल होकर देखे चार पाँच साल, भाई का भाई देखे तो एक एक्सीडेंट होकर मर गया, वैसे दो भाया दो भाना है सो पूरे घर के अंदर उनका हादिसा वैसा होको जैसे दो भाया भाया चीजो है ना दो भाना ही सो जी। ये माँ मिला ये ऐसा हादिसा करी सो इसके ऊपर। अच्छा, डॉक्टर का क्या कहना है पंडू भाई? इंशाल्लाह डॉक्टर सत्तर को दो घंटे टाइम देखो ही जी, हाथ सब पूरा जॉइंट डाल को ही उन्हों जी मारा तो बहुत सख्त एक 40-50 मारा पड़ी जी, पीछे पीठ को कम्बर की जगह 80 को दो टाके डाली, पेट के बोटिया जो बाहर आ गए थे ना वो ढकल को प्लास्टिक में जी। पूरे बिठा को वहाँ से प्लास्टिक बन ले कोई वहाँ से पूरा सीखो ही, लेकिन जिसम के अंदर रत्ती भी जगह नहीं है क्यों उन्होंने मारे सो जगाया आपको। अच्छा, आप कितने बजे मालूम हो आपको ये कल रात मंजे बराबर तराबी पड़ ले को मैं करेक्ट निकलिया बाहर 10 घंटे आपको करेक्ट 10 बजे मुझे फोन आया। अच्छा, फोन आपको जा रहे थे आपके दामाद
उन्होंने दूध को गए थे, उन्होंने दूध ले ले को दूध लेने जाते थे उन्होंने बरोबर हम्स का जो आंदोलन स्कूल है अलबदर के पास हम्स में क्या करे मारते के मन गाड़ी पर स्कूटर में एक्टिवा में उन्होंने शिफ्ट में लाख की नहीं की गाड़ी मारे ना तीन पलटी मार डाले उन्हें अच्छा अच्छा मारते के मन पांच जने पांच लांगा लेको ये लंबे धनाधन धनाधन मारना शुरू लेकिन इन्हें पूरी कोशिश बचने की बहुत कोशिश करे जी लेकिन कहता कोशिश कर रहा तभी लेकिन हाथ दिया है गर्दन को मारने के हाथ दिया है हाथ देखो हाथ छड़े आठ मारा मारी हाथ को अच्छा अच्छा डॉक्टर बोलता ना सात आठ मारा वो कर ये खैमा मारते ना वैसा मार को गिरी हाथ है वहाँ सब कौन मिले ना पूरा ऑफिशियल सामने पूरे लांगा के साथ कोई सामने बाहर सामने निकलने के वास्ते नहीं हुआ लेकिन चीखा मारी लाट में बैका बहुत कोशिश करी बचाने की लाट में ये किसका बच्चा है करको पूरे बैका क्या करी लास्ट में सात आठ बैका हद से ज्यादा मर रहा नहीं हमारा बच्चा रहा था छोड़ देंगे अगर को बैका की चीखा से मरद बाने आने में भाग पाने में उस टाइम को ना पूरे निकली वहां से मेरे ख्याल सत्रह रमजान है बहुत बड़ा मुबारक महीना है सत्रह रमजान जो है बहुत बड़ा दिन है शायद इसकी वजह से आपके दामाद को जान बची है हमें हमें दुआ कर रहे हैं आपके लिए और हमें आपके गम में बराबर शरीक हैं पंडू भाई इंशाल्लाह इंशाल्लाह जरूर 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 बस उन खातिला को बाखदा सजा होना जी बस ये बहुत ही अच्छा की कहो हमारी यताज क्या है कहो कानून जो भी जिन्हें तकलीफ जो मारी से बाखदा उनको कानून इनको सख्त से सख्त सजा देना है हम भी पुलिस इंतजाम से यही उम्मीद करेंगे कि वो जल्द से जल्द इस तरह के गैंगों को खात्मा करें यही उम्मीद के साथ आपसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया जो आपने वक्त दिया हमारे लिए इसका बहुत बहुत शुक्रिया पंडित भाई आमीन 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 सलाम।